अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ मेरठ, और ये देखें ये कितनी प्यारी सी मस्जिद थी रास्ते में, और यहाँ से हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। और ये मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड और मैं और उनकी वाइफ, हम चारों जा रहे थे। डॉक्टर से उन्हें भी मिलना था तो उन्हीं के साथ हम गए थे। तो यहाँ तक मेट्रो के लिए काम चल रहा था और काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक था, तो यहाँ पर हम उन्हीं का वेट कर रहे थे क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए थे और हम आगे निकल आ गए थे। और काफ़ी हमें यहाँ टाइम लग गया था। और काफ़ी दूर था रास्ता, हमें मिनिमम 2 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचने में, तो हमें काफ़ी वक्त लगा वहाँ पहुँचते टाइम। और यहाँ पर इतने ज़्यादा रास्ते में हमें ग्रीनरी दिखाई दी ना, और ये चारों तरफ। और अभी जैसे कि इतनी गर्मी नहीं है, अभी तो हम जा रहे थे मॉर्निंग का टाइम था तब इतनी गर्मी नहीं थी, बट जब हम आ रहे थे आते टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी और धूप बहुत तेज़ लग रही थी उस टाइम। तो ये देखें इतना प्यारा यहाँ का व्यू था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी हवा, तो डस्ट वगैरह भी काफ़ी उड़ रही थी। और ये यहाँ पर इतना प्यारा सा तालाब था, और यहाँ पर हम आ गए हैं वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से, और यहाँ पर हमने पिया था गन्ने का जूस। और अभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ वो चले गए हैं, उन्हें हमने वापस जाने के लिए कह दिया था क्योंकि इन्हें, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ पर, तो वो साथ में आए भी थे, काफ़ी देर हमारे साथ आए थे, बट बहुत छोटा सा बच्चा भी था उनके साथ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए उन्हें वापस भेज दिया था। और हमें यहाँ पर भी टाइम लग गया था काफ़ी, और अब उसके बाद हम घर आ चुके थे। और घर आने के बाद जैसे ही मैंने खाना वाना बनाया और खाना खाने लगे थे तभी ट्यूशन के बच्चे आ चुके थे। और जैसे कि सैटरडे वाले दिन मैं रखती हूँ बच्चों के लिए क्रिएटिविटी का, कोई मैं उनसे ऐसी चीज़ें कराती हूँ बच्चों से ताकि बच्चे बोर भी ना हों और उन्हें थोड़ा
और एक्टिविटीज़ से बच्चे भी खुश रहते हैं काफ़ी। तो आज मैंने बच्चों से ड्राइंग कराई थी, और इनमें छोटे बच्चे भी हैं काफ़ी सारे जिन्हें ठीक से ड्रॉ भी नहीं करना आता है। तो मैंने उन सभी बच्चों को स्क्वायर शेप बच्चों से बनवा कर दी, और बस सिर्फ उनसे कलर फिल कराए थे। और बाकी जो बड़े बच्चे थे उनको मैंने एक लैंप दिया था, टेबल लैंप बनाने के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये चीज़ें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और इतना इंटरेस्टेड होकर करते हैं ये सारी चीज़ें वो, तो बस वही कर रहे हैं सब ड्राइंग। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन छोटे छोटे क्यूट से बच्चों ने कलर फिल किए हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारे कलर फिल कर रहे हैं ये। और ये लैम्प्स मैंने बच्चों को दिए थे बनाने के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी कराते रहो बच्चों से। तो बहुत ज़्यादा एक दिन में ऐसा रखती हूँ उनके लिए, ताकि ये भी थोड़ा बोर ना हो और एंजॉय करें। ये सैटरडे का ब्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया है, बट ये सैटरडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बच्चों की हो चुकी है ड्राइंग कंप्लीट, और अब उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ सभी का। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे कलर किए थे बच्चों ने, जितना उनसे हो सकता था बेस्ट करने की कोशिश की थी। तो उधर से आते टाइम मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो मेरे देवर हैं उनका बर्थडे था,
तो उनके लिए एक ये मैंने खरीदा था। इसको ब्लेज़र बोलेंगे, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी तो ये मैंने एक ले ली उनके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसका कलर और इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा था। जैसे आर्मी ड्रेस होती है उसकी तरह इसका कपड़ा था और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए दो कैपरी ली थी नाइट वेयर के लिए, एक ये थी ब्लू कलर की थी और इसमें स्टार्स बने हुए थे, और मैंने उसको ट्राई करा आगे भी देखी थी, ये काफ़ी प्यारी लग रही थी। और उसके बाद मैंने ये एक ब्लैक कलर की कैप्री ली थी और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था। और इस पे ये स्मॉल सा लोगो बना हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी शक्कर खरीदी थी जो कि ज़्यादातर मैं और मेरे हस्बैंड शुगर की जगह लेना पसंद करते हैं शक्कर, और इसकी चाय भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और ये मैंने खरीदी थी, छोटी छोटी बोल्स थी और एक ये स्टैंड था जो कि आजकल हम अगरबत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं मच्छर के लिए मॉस्किटो के लिए, तो ये उसमें अगर हम लगा सकते हैं तो जो जितनी भी उसकी डस्ट गिरती है तो वो इसी के अंदर आ जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ये मैंने ले ली। और उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी बाउल्स ली थी, वो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो ये मैंने 2 पीस लिए थे। लग रही है ना क्यूट, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये छोटू सी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।